होता है कि ना वर्ड लगा तो आप एक तरह से 90% चांस ये होते हैं कि क्रिया का ही शब्द होगा। अब क्रिया की डेफिनेशन लिख लो, क्रिया शब्द से होते हैं जहाँ किसी काम का कार्य का पाया जाता है। चलो आप समझ लो, देखो भाववाचक संज्ञा और विशेषण का अंतर क्या होता है। ये विशेषण लिख लेना, देखो विशेषण शब्द कब बनेगा, जब वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ेगा तभी तो बनेगा, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा क्या है, वो खुद एक संज्ञा है, ठीक है, ना वो किसी सर्वनाम के साथ जुड़ेगी ना मतलब संज्ञा के साथ जुड़ेगी, वो अपने आप में क्या होगी, एक संज्ञा होगी, ठीक है, उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है, अपने आप आ जाए उसमें संज्ञा वो चीज अलग है। लेकिन विशेषण के लिए संज्ञा और सर्वनाम की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, बिना मतलब संज्ञा और सर्वनाम की तुम विशेषता नहीं बता सकते होगी, ठीक है। अब मैंने जैसे कह दिया मोटा, अब कौन है मोटा, कोई विशेषता पता लग रही है किसी भी संज्ञा की, या मैंने कह दिया बहुत बड़ा, तो बड़ा क्या है, कुछ पता लग रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है ना, ठीक है, तो फिर उसके लिए संज्ञा की जरूरत है। जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा शहर है तो अब संज्ञा आ गई ना, अब पता लग जाएगा। अब मैंने बोल दिया वह बहुत बड़ा है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गई, विशेषता बता रहा है, तो किसकी बता रहा है, संज्ञा की बता रहा है या सर्वनाम की बता रहा है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश वाले बच्चे समझ लो, ही वॉज वेरी फैट, मतलब वह बहुत मोटा था, तो क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और फैट क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, क्योंकि वह बहुत मोटा है, सही है। अब हिंदी वाले बच्चों समझ लो, लिखा वह बहुत मोटा है, तो सर्वनाम मतलब वहां सर्वनाम आ गई वह आपकी, और विशेषता किसने बताई, मोटा वर्ड ने, तो क्या हो गया आपका, वो विशेषण हो गया, सही है। अब समझ लो विशेषण कौन कौन से होते हैं और किन से, जैसे मैंने लिख दिया जिम्मेदार, अब जिम्मेदार विशेषण है, ठीक है, मैंने लिख दिया वह लड़का बहुत जिम्मेदार है, ठीक है, जिम्मेदार है मतलब जिम्मेदारी से अपना काम करता है, अच्छे से करता है, तो जिम्मेदार के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, संज्ञा की पड़ी या सर्वनाम की पड़ी। जैसे मैंने बोला वह लड़का, तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया मतलब सर्वनाम हो गया, और लड़का क्या हो गया, नाउन मतलब क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी आपको। अब देखो अगली लाइन, जिम्मेदारी क्या हो, भाई उसी का आ रहा है, जिम्मेदारी, वह अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करता है, ठीक है। अब या ये लिख लो अपना काम जिम्मेदारी से करो, मैंने लिख दिया अपना काम जिम्मेदारी से करो, मुझे ये बताओ यार कहीं तुम्हें संज्ञा की जरूरत पड़ी, सर्वनाम की नहीं पड़ी ना, लेकिन अगर यही ये वाला वर्ड लिखते तो हमें संज्ञा और सर्वनाम की जरूरत पड़ती, तो ये क्या हो गया, ये अपने आप एक संज्ञा है, ठीक है। तो जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और जिम्मेदार क्या हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है, अपना अपना हो गया सर्वनाम, मैंने कहा ना अपने आप जुड़ जाए वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन